नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के बड़े नेता और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। सुरेंद्र यादव की जुबान फिसल गई है और उनके मुंह से जो कुछ भी निकला है अब विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है, बीजेपी उसको मुद्दा बना रही है। दरअसल सुरेंद्र यादव ने बात करते करते कुछ ऐसी बात कह दी जिससे बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है और जाहिर तौर पर जो उन्होंने कहा वो अमर्यादित ही था। हालांकि बात करते करते सुरेंद्र यादव के जुबान से वो बात निकल गई, लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है, बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हैं और आरजेडी पर, जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। तो निशाना साधा है बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के महामंत्री निखिल आनंद ने, सुरेंद्र यादव ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर, और एक तरह से जो हमले लगातार हो रहे हैं उन हमलों की फहरिस्त में एक और हमला निखिल आनंद का। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, ओबीसी मोर्चा के महामंत्री भी हैं, तो सुनिए क्या कह रहे हैं निखिल आनंद। जाहिर तौर पर एक के बाद एक फजीहत हो रही है, किरकिरी हो रही है, जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो सरकार के मंत्रियों से जुड़े हुए मामले हों, विधायक से जुड़े हुए मामले हों, चाहे वो दूसरे मामले हों, दूसरे आरोप और प्रत्यारोप हों, बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। निखिल आनंद का बयान सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। बिहार सरकार के नए मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव सभी तरह के अनुभवों से परिपूर्ण हैं। एक उनका पुराना दबंग इतिहास रहा है, वो ज्ञान से भी भरे हुए हैं। कभी विधायक रहते हुए वो DSP की परीक्षा BPSC की क्वालिफाई कर गए थे और अब मंत्री बने हैं, तो कम से कम मंत्री जी को थोड़ा सा जुबान पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पब्लिकली सलाह दे दिया तो उसको उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि भाई फ़ोटो तो खिंचवा ही रहे हो, क्यों पब्लिकली सलाह दे रहे हो, नहीं तो मंत्री को लोग अपशब्द से उन्होंने कहा कि ऐसा समझेंगे। लगता है कि बिहार सरकार के मंत्रियों को कुछ पब्लिक परसेप्शन की, पब्लिक डोमेन में कैसे बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, तो RJD कोटे के मंत्रियों के साथ एक ट्रेनिंग सेशन वो ज़रूर ऑर्गेनाइज करें और इस तरह से हल्की भाषा का पब्लिक डोमेन में प्रयोग करके बिहार की छवि खराब ना हो और माहौल को हल्का ना किया जाए।